आरसी सर्किट। अब देखो रजिस्टर पढ़ लिया हमने, कैपेसिटर पढ़ लिया है ना, दो चैप्टर पढ़ लिया, अब उन दोनों को कंबाइन करते हैं ना। असलियत में क्या होता है, कोई भी डिवाइस प्योर रजिस्टिव या प्योर कैपेसिटिव नहीं होता है ना। हर डिवाइस में तीनों चीजें होती हैं, रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। इंडक्टेंस अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ईएमआई वाले चैप्टर में ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस। तो हर डिवाइस में सारी चीजें होती है तो हमको सॉल्व करना आना चाहिए ना। तो अगर रजिस्टर और कैपेसिटर को साथ में लगा दे तो क्या होगा, तो सबसे पहले लिखो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर फटाक से ना, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, बैटरी है, स्विच है, आर सी वी, वी नोट मान लो है ना। तो हमने क्या करा, देखो इनिशियली कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था, इनिशियली न्यूट्रल कैपेसिटर था। चार्ज कैसे, बैटरी से तो चार्ज देते हैं तो बैटरी से चार्ज कर रहे। अभी तो हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर मार रहे थे। देखो असलियत में रेजिस्टेंस हमेशा होता है और हमेशा था, वो हम उसको इग्नोर मार रहे थे, उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस साथ में होने से फर्क क्या पड़ता है। तो हम यही तो करते हैं फिजिक्स में, पहले बता आइडियलिस्टिक चीजें पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसे रियलिस्टिक बनाते हैं। जैसे पहले स्मूथ सर्फेस पढ़ते थे, फिर फ्रिक्शन पढ़ लिया, तो अब हम बताए रेजिस्टेंस भी पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है करते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे मैंने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया। उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब तुमने क्लोज कर दिया तो क्या होगा, भाई बैटरी से चार्ज फ्लो करना, करंट फ्लो करेगा, करंट ही तो चार्ज है। अरे फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो मान लो किसी टी इक्वल टू टी पे बात करते हैं अपन, है ना, ये टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन थी, ये टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन थी। कैपेसिटर कैसा था, अनचार्ज था, जीरो चार्ज था इस पे, सर्किट में करंट भी नहीं था क्योंकि ओपन है। टी इक्वल टू जीरो पे तुमने क्लोज करा, अब सर्किट क्लोज हुआ, करंट फ्लो करना चालू करेगा, चलेगा करेगा। तो देखो इधर से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर पे जाएगा। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, इधर से तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, कैपेसिटर के बीच से चार्ज फ्लो नहीं करता है ना। तो क्या होगा, ये चार्ज इधर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर पे, इधर से चार्ज निकल के आएगा। मान लो अगर इधर पे 10 कूलम चला गया तो इधर से 10 कूलम निकल जाएगा, क्योंकि बैटरी जितना चार्ज देती है उतना चार्ज लेती है ना। अगर बैटरी के पॉजिटिव ने 10 कूलम, कूलम से बोलो ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने अगर 10 कूलम चार्ज दिया तो नेगेटिव वाले को 10 कूलम चाहिए तो वो इधर से निकाल लेगी, तो इस वाले पे 10 कूलम आ जाएगा, इसमें माइनस 10 कूलम आ जाएगा। और कैपेसिटर पे इक्वल एंड अपोजिट होता है तो सारी चीजें सिंक में चल रही हैं। तो मान लो इसने बताया आई करंट है, किसी टी इक्वल टू टी पे आई करंट हो गया इसमें और इस पे क्यू चार्ज आ गया, तो इस पे कितना आ जाएगा, तो आया कहां से, समझ में आ रहा है ना। और देखो हम समझाने के लिए बोल देते पॉजिटिव चार्ज इधर से, कि असलियत में सिर्फ नेगेटिव फ्लो करता है ना, पॉजिटिव तो फ्लो करता ही नहीं है। तो असलियत में इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे चले गए और इधर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, ये हुआ असलियत में। तो इसमें किसी को डाउट है क्या, तो ये किसी टी इक्वल टू टी के जनरल टाइम की इक्वेशन है ना। तो चलो लगा दो केवीएल, क्या लगा दो, केवीएल किरचॉफ्स का वोल्ट लो। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सब तुम्हें ऑलरेडी आता है, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ इसमें, तुम ये करोगे सब सॉल्व। तो चलो यहाँ से यहाँ चले, बताओ क्या आएगा, माइनस वी। चलो 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 अब क्या आएगा, अब दो इक्वेशन साथ में आएंगी वैसे ना, अब क्यू बाई सी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है ना, हो गया खत्म हो गया। अब क्या, अब क्या हो गया ना, लगा तो दिया, सब तो कर दिया, यही आएगी। देख लो भाई अच्छे से देख लो, केवीएल लगाया है। तो मैं अगर कुछ भी डाउट वगैरह है ना तो क्लास के बाद मिलना, मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ से कैसे कवर करना है। अब क्या करें, आप कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं क्यू और आई, दो वेरिएबल के लिए चाहिए दो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कहाँ से दिख रहा है ना, दो वेरिएबल है भाई आई और क्यू, दोनों को ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। कोई पूछे टी इक्वल टू पांच सेकंड पे बता दो कितना चार्ज था और कितना करंट था, कैसे बताएं। तो दो वेरिएबल आ गए आई और क्यू, कैसे करें, अगली इक्वेशन कहाँ से लाए, हाँ हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्यू इक्वल टू आई टी नहीं होता, आई इक्वल टू क्यू आई टी भी नहीं होता, फिर बोलो और, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना। अब कॉन्स्टेंट करंट बह रहा है क्या, करंट वेरिएबल है ना, जब चीजें वेरिएबल होती है तो तुम क्यू बाई टी थोड़ी ना लिख सकते हो, तो आई क्या होता है हमारा डी क्यू बाई डी टी, और प्लस डी क्यू बाई डी टी आएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब ये चीजों का ध्यान देना होता है, देखो करंट इसके अंदर जा रहा है ना, मतलब डी टी टाइम में आई डी टी चार्ज और इस पर आएगा, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी है, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इस केस में प्लस आएगा। नेगेटिव किस केस में आएगा, इसको साइड में करके लिख लेना, कभी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। मान लो तुमने क्यू चार्ज ऐसा माना, इस पर माइनस क्यू माना है, और तुमने करंट का डायरेक्शन ऐसा मान लिया, मान लो तो इस केस में तुम्हारा आई क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि आई क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज,
और इस केस में तो आई कम कर रहा है ना चार्ज को, समझ में आ रहा है ना? तो dQ by dt नेगेटिव है और तुम करंट को पॉजिटिव लिखना चाह रहे हो, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इस तरह से निकलेगा तो आई माइनस dQ by dt होगा, जब करंट ऐसे अंदर जाएगा तो आई क्या होगा तुम्हारा? इसको भाई ध्यान रखना, ये गलतियां हो जाती है और सारे फिर उल्टे सीधे आंसर आ जाते हैं एग्जाम में। लिखो इसको, नोट करके लिखो साइड में, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये दिमाग में बैठ गए तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बढ़े आगे, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ तो गए सॉल्व कैसे करें? तो रख दो आई को उठा के यहां से रख दो, बताओ आई क्या है तुम्हारा? क्यू प्लस सी वी बाई सी वाई आर, है ना? तो ये आ रहा है, तुम देख लेना बाकी ना, क्यू प्लस सी वी बाई आर सी, देखो ये आ रहा है आई पहली इक्वेशन से, ठीक है? इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? डी क्यू बाय डी टी। अब इनको सॉल्व करना आता है, इंटीग्रेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, अरे मैथ्स में पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया भाई, बता दो, नहीं पढ़ा अभी तक? चलो कोई बात नहीं करो। अगर वेरिएबल्स को सेपरेट करा जाता है, q और t दो वेरिएबल यहाँ पे ना, i को तो एलिमिनेट कर दिया हमने, तो इसको इधर ले जाओ और d2 को ऊपर ले आओ, तो एक तरफ पूरा q हो जाएगा, एक तरफ पूरा t हो जाएगा, यहाँ पे दो ही दो वेरिएबल है q और t, तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हम। तो हमारा क्या आ रहा है, डी टी वाई आर सी इज इक्वल टू डी क्यू वाई क्यू प्लस सी वी, देखो यही आएगा नहीं आएगा? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेंट, t इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज था बताओ कैपेसिटर पे? अनचार्ज था ना, और t इक्वल टू t पे मान लेते q हो जाता है, बोला था ना अपर लिमिट हमेशा वेरिएबल रखी जाती है, तो 1 बाय rc तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इधर से, मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, माइनस q बाय c प्लस v, है ना? तो सही बोला, माइनस q प्लस cv बाय rc आएगा, सही बोल रहे, तो माइनस इधर भी माइनस लगा दो, ये आएगा अपना, ठीक है क्या? तो 1 बाय rc dt का इंटीग्रेशन t, है ना, लिमिट जीरो से टी तक। चलो ये क्या है तुम्हारा, सी बी माइनस क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एल एन ऑफ सी बी माइनस क्यू, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैथ्स में जब इंटीग्रेशन में करोगे तब पता चल जाएगा तुमको। तो क्या आ गया तुम्हारा, एल एन ऑफ सी बी माइनस क्यू, और माइनस भी बाहर आएगा। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक तुम्हारी? जीरो से क्यू तक। देखो इस वाले पार्ट पे ध्यान मत देना, ये मैथ्स में पढ़ोगे तुम डिटेल में कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है? बाकी वैसे तो पढ़ा भी दिया गया तुमको मेरे ख्याल से, नहीं पढ़ाया इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया? तो एक फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं पता तो, लो इंटीग्रेंट ऑफ डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, क्या होता है जल्दी बोलो, एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला याद कर लो, उससे लिखा है हमने ये, लिखो चलिए फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं पता तो। ठीक है, बड़े आगे रखे वेरिएबल्स, तो 1 बाय आर सी टी माइनस जीरो इक्वल टू, अच्छा माइनस इधर, इस माइनस को यहाँ पे ले जाते क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी ले लो ना, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एल एन ऑफ सी वी माइनस क्यू और माइनस एल एन सी वी, उसको डिवाइड कर सकते हैं, एल एन ए माइनस एल एन बी को एल एन ए बाई बी लिखते हैं, वही करा है। तो क्या आ गया तुम्हारा, देखो ई पावर, अब ई पावर चढ़ा दें, पता है ना, अरे ये पता है नहीं पता, e पावर एल एन एक्स कितना होता है ना, क्योंकि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। चलो अच्छी बात है, पता है तो e पावर माइनस टी वाई आर सी इक्वल टू कितना आया तुम्हारा, सी बी को ले लो हटा लो, तो 1 माइनस क्यू बाई सी बी, यही आया ना, तो देखो क्यू निकल गया तुम्हारा, क्यू कितना आ रहा है, क्यू इक्वल टू आ गया तुम्हारा सी बी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी वाई आर सी। इस फॉर्मूले को याद रखना है, देख कब का है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, इसमें अगर कभी तो, ये तो क्यू की निकाल ली, अगर मैं करंट, ये क्या बता रहे हो तुम्हें, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, अगर मैं करंट पूछूं तुम्हें कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, डिफ्रेंशिएट कर दो, अब उतना तो आता होगा, तो सी वी वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस बाहर आया ई पावर माइनस टी वाई आर सी का ई पावर माइनस टी वाई आर सी, और माइनस वन बाय आर सी, तो माइनस से माइनस गया, कितना आया भाई तुम्हारा, सी से सी गया, तो आई तुम्हारा आ गया वी वाई आर इंटू ई पावर माइनस टी वाई आर सी, ये करंट आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने चार्ज और करंट दोनों निकाल दिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल के ग्राफ बनाने आते हैं, पढ़ा है ई पावर ग्राफ पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फिजिक्स के, पता नहीं कितने सारे फंक्शन में ई आता है, तो पता होने चाहिए। ये है एक्सपोनेंशियल डिके ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ, कैसा बनता है, t इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा, देखो t को जीरो रखो एक बार, कोई बात नहीं, चलो आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं, अभी घबरा जाओगे तुम लोग,
टी को दो चीजें रख के देखो, एक बार टी को जीरो रखो, एक बार इन्फिनिटी रखो, और मुझे बताओ क्यू कितना हो रहा है, आई कितना हो रहा है। चलो सबसे पहले क्यू के साथ खेलते हैं। अच्छा आई के साथ खेलते हैं, चलो आई में थोड़ा आसान दिख रहा है ना। तो टी को जरा जीरो रखो, बताओ कितना हो गया ई पावर माइनस जीरो बाय आर सी। ई पावर जीरो कितना होता है, वन। तो कितना आ गया वी वाई आर। तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है, वी वाई आर। चलो टी को इन्फिनिटी रखो जरा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी है ना, कितना होता है। किसी भी नंबर पे अगर माइनस इन्फिनिटी की पावर चढ़ा रहे हो तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी करा, कितना आया, जीरो। तो क्या बोल रहा है भाई, टी इक्वल टू जीरो जब तुमने क्लोज करा था तब करंट कितना था, वी वाई आर, और इन्फिनाइट टाइम पे कितना हो गया, जीरो। मतलब इनिशियली करंट तुम्हारा क्या था, मैक्सिमम। ये क्या बता रहे, तुम्हारा मैक्सिमम करंट बता रहे ना, वी वाई आर। चलो अब टी इक्वल टू जीरो पे मुझे बताओ चार्ज कितना होगा, जीरो। ई पावर जीरो कितना हुआ, वन। वन माइनस वन, भाई नहीं हो रही इतनी कैलकुलेशन, आसान तो है, तो जीरो होगा ना। अरे तो माना था, ये तो कंडीशन थी, इससे तो स्टार्ट करा है हमने। टी को इन्फिनिटी रख दिया, ये जीरो हो गया सीवी। तो मतलब मैक्सिमम चार्ज कब आ रहा है तुम्हारा, जब टाइम इन्फिनिटी नहीं, जब टाइम इन्फिनाइट हो गया ना, मतलब बहुत समय बाद। ये होता है कि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है ना। तो सीवी चार्ज अपन ने यही तो पढ़ा था, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता था, सीवी। सर्किट में करंट कितना होता था, वी वाई आर। तो याद रखना वी वाई करंट होगा स्टार्टिंग में, और ये चार्ज होगा एंड में। तो स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम है और चार्ज जीरो है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। और इसलिए बोलते थे ना कई बार कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करता, तो थोड़ी सी देर के लिए करता है। ये पूरी प्रोसेस में नैनो सेकंड्स लगते हैं, नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड कुछ लगता है टाइम, है ना। तो उतनी सी देर के लिए अलाउ करता है, थोड़ी देर बाद करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो ये टाइम तो हमारे लिए तो बहुत कम है, माइक्रो सेकंड्स। तो माइक्रो सेकंड बाद क्या होता है, जैसे तुम स्विच को ऑन करोगे थोड़ी देर में करंट जीरो हो जाता है। तो करंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है, फिर फॉल कर जाता है। तो करंट का ग्राफ कैसा आ जाएगा, एसिम्प्टोटिकली जाएगा, याद रखना। कैसा जाएगा, अगर एग्जाम में वो कट कर देगा एक्सिस को तो सही होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना। ई पावर माइनस एक्स कट नहीं करेगा, जाता रहेगा जाता रहेगा। अगर एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं, एक ने कट कर दिया तो वो गलत, क्योंकि जीरो कब होगा, वो इनफाइनाइट टाइम पे, समझते हो ना। तो इसके पास जाता रहेगा, ये डिस्टेंस कम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, पर कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया तुम्हारा, करंट का। इनिशियली करंट कितना था, वी वाई आर। इक्वल टू जीरो पे वी वाई आर था। देखो करंट वाले में किसी को डाउट है क्या, और इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक्चुअली ई पावर एक्सपोनेंशियल डिके है ना, एक्सपोनेंशियल डिके को नेगेटिव करा और वन को ऐड कर दिया, यही तो है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो टी इक्वल टू जीरो पे कितना है चार्ज, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और इन्फिनिटी पे, देखो इन्फिनिटी पे जाके जीरो, मतलब एसिम्प्टोटिकली जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो रहा है चार्ज, बताओ क्यू मैक्स कितना आया था तुम्हारा, सी भी आया था। तो मतलब मैक्सिमम इस लाइन को तो इसके ऊपर तो नहीं जा सकता, अरे ये तो मैक्सिमम है, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इसके लिए नहीं है ये, ऐसा कभी भी कोई भी फंक्शन दिखे तो यही होगा आंसर, हमें ध्यान रखना है एग्जाम में, है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चार्ज होगा ना, पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट। अच्छा देखो कुछ चीजें हमको याद रखनी, कुछ वैल्यूज, जैसे ई की वैल्यू कितनी होती है भाई, अप्रोक्सीमेटली 2.7, ये हमको ध्यान रखना है ना, ये तो हम ध्यान रखते हैं, खैर सभी को पता होती है। 1/e की वैल्यू और याद रखनी है तुम्हें फिजिक्स में, ये काम आती है। ये कितनी होती है, 0.37। तो 1 - 1/e की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिखो जल्दी लिखो, 1/e 0.37 होता है, इसको सीधे याद रखना है, डिवाइड करके नहीं देखोगे एग्जाम में, इसको याद रखना है दिमाग में। अब देखो एक चीज होती है टाइम कांस्टेंट पूछेंगे, तो अभी अपन समझते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होता है ना। तो टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और वो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इक्वल टू आर सी, ये ध्यान रखना। क्या होता है टाउ कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी। तो बताओ टी इक्वल टू टाउ पे जब एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, वन टाइम कांस्टेंट है ना, वन टाइम कांस्टेंट मतलब आर सी, जब टी इक्वल टू टाउ होगा तो चार्ज कितना होगा और करंट कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे, दोनों वैल्यू बताओ इस टेबल में, चार्ज और करंट की वैल्यू टी इक्वल टू टाउ पे। जीरो में दिख रहा है ना, टी इक्वल टू टी को आर सी रख दो, आर सी बाय आर सी कट गया, ई पावर माइनस वन कितना होता है, ई पावर माइनस वन लिखा तो है, यही है ई पावर माइनस वन, ई पावर माइनस वन ये होता है 1/e 0.37 है ना। तो 1 - 0.37 0.63, तो कितना आ गया तुम्हारा 0.63 सीवी, मतलब मैक्सिमम चार्ज का कितना चार्ज हो गया, 63% ना, 0.63 यहाँ पे 63% एक ही बात होती है ना, परसेंट मतलब 1/100। तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो रहा है, 63%, मतलब अगर मैक्सिमम 100 कूलम आना है तो 63 कूलम चार्ज आ जाएगा इस पे, और करंट कितना फॉल हो जाएगा। तो रखो भाई यहाँ पे आरसी रखो, 1/e आया, 1/e मतलब 0.37, तो करंट कितना बचा है, 0.37 बचा है। देखो मैक्सिमम का
0.37 बचा, मतलब मैक्सिमम का 37% बचा है, मतलब कितना डिके कितना कर गया, 63% खत्म हो गया, समझ में आया क्या? तो बोल भी सकते हो, लिखो एक नोट लिखो, ये सब लिख लिया क्या पहले, फिर टाइम कांस्टेंट के नीचे लिखो, इन सिंपल आरसी सर्किट इन वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर चार्जेस 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज एंड करंट फॉल्स टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ठीक है, ये क्लियर है क्या? तो देखो अगर तो अब एक टाइम कॉन्स्टेंट में वो 63% चार्ज हो गया है, अगर इसकी जगह तुम 2 या 3 टाउ रख लो, मान लो 4 टाउ रख दो, मतलब 4 आरसी रख देना, टी इक्वल टू 4 आरसी रखोगे ना, तो तुम देखोगे वो ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, स्टार्टिंग में तो देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीमेंट कम हो जाता है, तो अगर थियोरेटिकली बोले तो इनफाइनाइट टाइम लगता है पूरा चार्ज होने में, थियोरेटिकली बोले, पर असलियत में ना 4-5 टाइम कॉन्स्टेंट में वो हो जाता है, और टाइम कॉन्स्टेंट अराउंड समवेयर माइक्रो सेकंड्स में आता है, तो समझ रहे हो ना, कुछ माइक्रो सेकंड में लगभग पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम जैसे ही सर्किट को चालू करते हैं हमें तो करंट दिखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि माइक्रो सेकंड में फुल चार्ज हो जाता है और करंट जीरो पे, ऑलमोस्ट जीरो पे फॉल कर जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। आई क्या बात समझ में? तो देखो सर्किट सॉल्व करने के लिए ये मैं पूरा मिटा दूं क्या? तो देखो हमारा ये सर्किट है ना, जैसे हमारा ये सर्किट था, हमने टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज करा था, एक रेजिस्टर था एक कैपेसिटर था, तो अगर हमसे पूछा जाए ना टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट टी इक्वल टू जीरो पे बनाऊं, तो देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा एट टी इक्वल टू जीरो। देखो टी इक्वल टू जीरो पे ध्यान से देखो, चार्ज कितना है जीरो और करंट मैक्सिमम है, करंट वी वाई आर आ रहा है, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बना दूं, देखो ध्यान से जल्दी देखो, तो बताओ इसमें करंट कितना होगा, जल्दी बोलो करंट कितना आएगा, और टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना आ रहा है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे तुम कैपेसिटर को शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट का मतलब पता है शॉर्ट और ओपन सर्किट, नहीं पता, पता है नहीं पता, जल्दी बताओ, शॉर्ट ओपन सर्किट मतलब तो भाई काट दिया है ना, ओपन सर्किट तो भाई इसको बोल देते हैं, तो सिंपल पहले बता देता हूं, ओपन सर्किट तो हमारा ये हो जाता है, जैसे ये खुला ओपन सर्किट है, इसका मतलब है कि बीच में कितना रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो ओपन सर्किट से कभी करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, वायर को काट देंगे मतलब वैक्यूम आ गया, उसको एक तरह से बोल सकते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया बीच में, तो करंट फ्लो नहीं करता ओपन सर्किट से कभी भी, क्लियर है क्या? शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सर्किट को शॉर्ट करने का मतलब होता है जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, मान लो इसमें से करंट जा रहा था, शॉर्ट करना मतलब ऐसे तुमने इसे जो भी डिवाइस है उसके अक्रॉस एक वायर कनेक्ट कर दिया जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब क्या होगा, जितना भी करंट आ रहा था सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा, क्यों? क्योंकि करंट ऐसा पाथ चाहता है, और इसमें इसमें जब तुमने ये कनेक्ट कर दिया कंडक्टर, इसका तो रेजिस्टेंस जीरो है, तो डिवाइस में से कोई करंट जाएगा नहीं, तो फिर डिवाइस को मिटा सकते हो ना, शॉर्ट करते हैं मतलब डिवाइस को हटा दो, उसको हटा के एक वायर लगा दो, शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट मतलब बोल सकते हो रेजिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा जीरो, तो कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया मतलब अब सारा का सारा करंट इधर से फॉल कर जाएगा टी इक्वल टू जीरो पे, समझो कैपेसिटर है ही नहीं वहां पे, तो हम ऐसा बना देंगे टी इक्वल टू जीरो पे, समझ में आया क्या? और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या कर सकते हैं, देखो अपन ध्यान से ऑब्जर्व करो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज सीवी हो गया, करंट कितना हो गया है जीरो, इसको ऐसा बना सकते हैं, तो बताओ इस सर्किट में करंट कितना होगा, कोई बता सकता है? इस सर्किट में ओपन सर्किट है ना जीरो, समझ में आया क्या? इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, तो अगर इसका पोटेंशियल में जीरो मान लूं, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा कोई बता सकता है? वी, यहां पे पोटेंशियल वी और यहां पे पोटेंशियल वी, यहां पे जीरो तो यहां पर भी जीरो है पोटेंशियल, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया वी, और कैपेसिटेंस सी है तो उसमें चार्ज कितना होगा सीवी, देखो निकल के आ गया, अरे इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है तो बता रहा हूं।